Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET core series, and today we are going to discuss ViewPack. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्यू डेटा क्या होता है और व्यू डेटा को यूज़ करके हम क्या काम कर सकते हैं, व्यू डेटा क्यों यूज़ होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे व्यू बैग को. तो बेसिकली व्यू डेटा क्या था, व्यू डेटा एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था, जबकि व्यू बैग जो है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायनामिक प्रॉपर्टी है जो कि C# 4.0 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर से जो है वो डेटा को पार्स कर सकते हैं. सो बेसिकली द पर्पस, यानी आपके पास जो काम है व्यू डेटा का, वो भी सिमिलर है किसकी तरह, उसी से सिमिलर है जिस तरह से आपने व्यू डेटा को यूज़ किया था. तो ये वो सेम प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था. मैं इधर से यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और ये व्यू डेटा को भी कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाया था, डेट वॉज डेमो, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया था और एक व्यू जनरेट किया था डेमो का, और उसके अंदर हमने कुछ काम किया था. तो लेट्स से यहाँ पर हमने डिटेल्स शो करवाई थी, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर आते हैं हम कंट्रोलर में, और अब आते हैं कि हम व्यू बैग किस तरह से डिफाइन करेंगे. सो इसके अंदर हम आएंगे सबसे पहले व्यू बैग, और अब क्योंकि व्यू डेटा में हम क्या करते थे, क्योंकि वो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर पे काम करता था, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक की डिफाइन करते थे और उसको वैल्यू देते थे, जबकि व्यू बैग जो है वो प्रॉपर्टी की तरह काम करता है. तो व्यू बैग के अंदर हम पहले व्यू बैग लिखते हैं, उसके बाद डॉट, और उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम देते हैं. लेट्स से वी वॉन्ट टू शेयर द डे ऑफ टूडे, यानी व्यू बैग डॉट डे इक्वल्स टू, लेट्स से हमने कह दिया डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डे, ठीक है. सो आज का डे हम शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है. तो ये डेटा हम कंट्रोलर से भेज रहे हैं, ठीक है, यानी कंट्रोलर से एज अ व्यू बैग की प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने व्यू पे पास कराना चाहते हैं. सो यहाँ पर आके लेट्स से वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट इन अ हेडिंग. सो लेट्स से डे, और डे के बाद हम डे शो करना चाहते हैं, तो एट द रेट और व्यू बैग. अब प्रॉपर्टी का नाम क्या था, मैसेज डे नाम रखा था हमने. सो हमने क्या किया है, डे यानी वहाँ से पास किया, और यहाँ पर वो डे हम शो कराना चाहते हैं. तो इसको रन करते हैं. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग दी डे, यानी आज हमारे पास डे क्या है, 6, ठीक है. तो हमारे पास डे जो है वो 6 डे जो है, यानी आपके पास डे की वैल्यू क्या है, 6 है. तो हमारे पास 6 जो है वो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है. लेट्स से वी वॉन्ट टू डिस्प्ले सम वैल्यू, लेट्स से आई वॉन्ट टू पास द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, EMP name, let's say we have an employee name Asad, ठीक है. So now we want to show the name of the employee, ठीक है. So let's see, go to this view and now we want to display the employee name. So let's say employee name equals to @ viewback dot EMP name. So now when we run this application, we will get the employee name. ठीक है, तो यानी आप देख सकते हो कि व्यू बैग जो है वो तकरीबन जो है वो आपके पास व्यू डेटा की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो डेटा सेंड कर रहा है वो प्रॉपर्टी की तरह सेंड कर रहा है. तो आप देखो एम्प्लॉय का नेम हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है. अब आते हैं कि भाई कि मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द व्यू बैग एंड द व्यू डेटा इज दैट कि व्हेन वी आर यूजिंग द व्यू डेटा, ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पास करते हैं व्यू डेटा के थ्रू, सो वी गेट द एरर बिकॉज वी हैव टू टाइप कास्ट डेट ऑब्जेक्ट इन द व्यू, ठीक है. यानी जब हम यहाँ से लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय क्लास जो हमारी थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, और एम्प्लॉई की आईडी, नेम, सिटी वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले करवाई थी. और हमने क्या किया था, हमने व्यू बैग की एक प्रॉपर्टी बनाई थी जिसको कहते थे ईएमपी, और उसमें ये ईएमपी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया था. हमने व्यू डेटा यूज़ किया था, ठीक है. तो जब हमने व्यू डेटा को यूज़ किया था, तो व्यू डेटा को यूज़ करते हुए हमारे पास एक मसला क्या आ रहा था कि जब हम अपने व्यू के अंदर आ रहे थे, और व्यू के अंदर जब हम इस डेटा को शो कराना चाह रहे थे, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ रहा था. क्या करना पड़ रहा था, टाइप कास्ट करना पड़ रहा था. जबकि जब हम व्यू बैग को यूज़ करेंगे, तो वी डोंट नीड टू टाइप कास्ट डैट डेटा. लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल ईएमपी डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल्स टू व्यू बैग डॉट ईएमपी, ठीक है.
सो ये व्यू बैक की हमें प्रॉपर्टी बनाई थी ना EMT, उसके EMP के अंदर सारा डेटा था, ठीक है। वो डेटा यहाँ से लेके हमने किस में पास कर दिया, एक वेरिएबल में EMP डिटेल्स में। जब हम व्यू डेटा को यूज़ कर रहे थे तो व्यू डेटा को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि हम फिर इसको डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर एज यूज़ करके, हम यहाँ पर टाइप कास्ट कर रहे थे कि हम बता रहे थे कि हम ये जो डेटा ले रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट से या इस क्लास से आ रहा है, ठीक है। जबकि व्यू बैक के अंदर हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। व्यू बैक क्या करता है, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देता है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है। नाउ वी वांट टू डिस्प्ले दी डिटेल्स ऑफ दी टू एम्प्लॉयज, तो लेट्स से वी हैव हेडिंग एम्प्लॉय डिटेल्स और HR, लेट्स से वी वांट टू डिस्प्ले दी we have the PTech and this is the employee ID and we have a BTech and here we will be displaying impel test details dot we have the EMP ID. EMP ID. Let's copy this. Let's say we want to display the name of the employee also. So let's EMP name. ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं टेस्ट कंट्रोलर में, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है और ID है, सिटी है। तो लेट्स से वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द नेम एंड ID, ठीक है। तो मैंने यहाँ से नेम और ID को कॉल किया है। सो लेट्स रन दिस। So now here I will call this action result, action method, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास आप देख सकते हो कि employee की ID और employee का यहाँ पे name और data receive हो रहा है। यानी अब आप यहाँ पे एक चीज़ notice करो कि we didn't need to typecast that object, ठीक है। यानी अगर हम view back को use कर रहे हैं तो we don't need to typecast this object, यानी इसको typecast करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें इसको टाइप कास्ट करने की नीड नहीं पड़ रही, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न के प्रेफरेबली जो है ज़्यादातर, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें टाइप कास्ट नहीं करना है या टाइप कास्टिंग में इश्यूज़ होते हैं, तो वी प्रेफरली यूज़ दी व्यू बैक ऑब्जेक्ट। व्यू बैक को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती। अनदर रीज़न कि आपके पास एक और काम क्या होता है कि लेट्स से इफ़ यू हैव डिफाइन अ प्रॉपर्टी विद द व्यू बैक, यू कैन यूज़ डैट प्रॉपर्टी विद द व्यू डेटा। यानी आपको यहाँ पर पता है कि ये जो डे वाली प्रॉपर्टी है ये हमने व्यू बैक के थ्रू डिफाइन की है। वी कैन ऑल्सो यूज़ डैट विद द व्यू डेटा। यानी अगर हम व्यू डेटा के अंदर डे को यूज़ करें सो वी कैन यूज़ दिस, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे वी विल गेट दी वैल्यू, बिकॉज आपके पास जो व्यू बैक जो है वो एज अ रैपर क्रिएट किया गया है किसके, व्यू डेटा से, ठीक है। तो इस वजह से जो है अगर हम जो है हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की है विद दी व्यू बैक, वी कैन यूज डेट विद दी व्यू डेटा। यानी हम उसको व्यू डेटा के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने कोई प्रॉपर्टी व्यू बैक के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट की है। लेकिन अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बनाई है व्यू डेटा के थ्रू तो उसको हम व्यू बैक के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और जो सिमिलर चीज़ है, क्योंकि व्यू डेटा और व्यू बैक ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और आपके पास एक और जो आपके पास यहाँ पे चेंजेस हैं वो ये है कि चेंज नहीं है, जो कि सेम चीज़ है वो ये है कि ये भी सिंगल रिक्वेस्ट के लिए काम करता है। यानी इसका जो आपके पास डेटा होता है, यानी इसकी जो वैल्यू रहती है वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेबल रहती है। यानी आपने जिस कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे ये व्यू पे पास किया है ये उसी तक उसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप करंट रिक्वेस्ट से नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे रीडायरेक्ट होंगे तो आपके जो व्यू बैक की प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। सो बेसिकली व्यू बैक एंड व्यू डेटा बोथ आर यूज फॉर दी सिंगल करंट रिक्वेस्ट। यानी करंट रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए, करंट रिक्वेस्ट में डेटा पास करने के लिए वी यूज़ दी व्यू बैक एंड व्यू डेटा। सो सम ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया
कि एक तो डिफरेंस ये है कि दोनों जो है बेसिकली जो दोनों आपके पास यूज़ होते हैं वो डेटा पास करने के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोलर से हम जो है व्यू के दरमियान जब डेटा पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दोनों को यूज़ करते हैं। व्यू डेटा जो है वो आपके पास वीकली टाइप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, जबकि आपके पास व्यू बैग जो है वो एक डायनामिक प्रॉपर्टी है। और दोनों जो है दोनों का पर्पज़ क्या है कि दोनों के थ्रू हम लूजली टाइप व्यू जो है वो MVC के अंदर क्रिएट करते हैं। व्यू डेटा के अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग कीज़ को यूज़ करते हैं तो स्टोर और रिट्रीव करने के लिए डेटा को, ठीक है, जबकि व्यू बैग के अंदर हम डायनामिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। बोथ दी व्यू डेटा कीज़ एंड व्यू बैग डायनामिक प्रॉपर्टीज़ आर रिजॉल्व ओनली एट रन टाइम, ठीक है, यानी आपके पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर चेकिंग नहीं मिलती, ठीक है, यानी आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं मिलती। यानी अगर आपने व्यू बैग की प्रॉपर्टी का नाम गलत दे दिया सो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कोई एरर नहीं आएगा कंपाइल टाइम पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर कोड को, यू विल गेट दी एरर। सो अगर हमने यहाँ पर मिस स्पेल कर दिया तो फिर हमारे पास यहाँ पर इश्यूज आएंगे, ठीक है। सो बेस्ड एंड प्रेफर्ड अप्रोच इन MVC टू पास डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर एक्शन मेथड टू अ व्यू इज़ बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गली टाइप मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो इनसे भी अच्छी हमारे पास जो अप्रोच है यानी प्रेफरेबल अप्रोच जो हमारे पास MVC के अंदर यूज़ होती है वो होती है स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू, ठीक है, यानी हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू मॉडल को, यानी स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू को यूज़ करते हुए जो है वो हम क्या करते हैं डेटा को पास करते हैं। सो इन द कमिंग लेक्चर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू के स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ क्या होते हैं और उसको यूज़ करके हम किस तरह से डेटा पास कर सकते हैं कंट्रोलर से व्यू के दरमियान, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस समथिंग न्यू इन द कमिंग लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।